एक कौवा जंगल में रहता था। वह खुले आसमान में घूमता और जब मन होता अपनी बेसुरी आवाज में काव काव करकर गाना गाता रहता। वह अपने जीवन से बहुत ही संतुष्ट था। एक दिन वह अपनी मस्ती में मस्त घूम रहा था, तभी उसे प्यास लगी तो वह एक सरोवर के पास पहुंचा तो उसने एक हंस को देखा और वह कौवा हंस को देखकर उसने बोला, यह हंस कितना सफेद है, कितना सुंदर लगता है। उसे लगा कि यह सुंदर हंस दुनिया में सबसे सुखी पक्षी होगा, जबकि मैं तो कितना काला हूँ। यह सब सोचकर वह काफी परेशान हो गया और उससे रहा नहीं गया। उसने अपने मनोभाव हंस को बताए। हंस भाई, तुम कितने सुंदर और शांत हो, तुमसे ज्यादा सुखी तो कोई भी पक्षी नहीं होगा इस संसार में। और एक में काला कलूटा और ऊपर से मेरी आवाज इतनी बेसुरी कि कोई मुझे सुनना भी पसंद नहीं करता। कौवा की बात सुनकर हंस बोला, वास्तविकता ऐसी है कौवा भाई कि पहले मैं खुद को आसपास के सभी पक्षियों में सुखी समझता था, लेकिन जब मैंने तोते को देखा तो पाया कि उसके दो रंग है तथा वह बहुत ही मीठा बोलता है। तब से मुझे लगा कि सभी पक्षियों में तोता ही सुंदर तथा सुखी। हंस की बात सुनकर अब कौवा तोते के पास गया। तोता पेड़ की टहनी पर बैठा था। तोता के पास जाकर कौवा बोला, तोता भाई, तुम कितने सुंदर और मीठे स्वर वाले हो, तुमसे ज्यादा सुखी तो कोई पक्षी ही नहीं होगा। और एक में काला कलूटा और ऊपर से मेरी आवाज इतनी बेसुरी कि कोई मुझे सुनना भी पसंद नहीं करता। कौवा की बात सुनकर तोते ने कहा, कौवा भाई, मैं सुखी जिंदगी जी रहा था, लेकिन जब से मैंने मोर को देखा तब से मुझे लगा कि मुझ में तो दो ही रंग है, परंतु मोर तो विविध रंगी है, मुझे तो वही सुखी लगता है कौवा भाई। फिर कौवा उड़कर प्राणी संग्रहालय गया, जहाँ कई लोग मोर देखने एकत्र हुए थे। जब सब लोग चले गए तो कौवा मोर के पास जाकर बोला, मित्र, तुम तो अति सुंदर हो, कितने सारे लोग तुम्हें देखने के लिए इकट्ठे होते हैं, प्रतिदिन तुम्हें देखने के लिए हजारों लोग आते हैं, जबकि मुझे देखते ही लोग मुझे उड़ा देते हैं। मुझे लगता है कि अपने इस ग्रह पर तो तुम ही सभी पक्षियों में सबसे सुखी हो। कौवा की बात सुनकर मोर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ कौवा भाई, मैं हमेशा सोचता था कि मैं इस पृथ्वी पर अति सुंदर हूँ, मैं ही अति सुखी हूँ, परंतु मेरे सौंदर्य के कारण ही मैं यहाँ पिंजरे में बंद हूँ। मैंने सारे प्राणी को गौर से देखा तो मैं समझा कि कौवा ही ऐसा पक्षी है जिसे पिंजरे में बंद नहीं किया जाता। मुझे तो लगता है कि काश मैं भी तुम्हारे तरह एक कौवा होता तो स्वतंत्रता से सभी जगह घूमता, उड़ता और सुखी रहता। तो दोस्तों, यही तो है हमारी समस्या। हम दूसरों से अपनी तुलना करते हैं और अनावश्यक ही दुखी और उदास होते हैं। हम कभी जो हमें मिला है उसकी कदर नहीं करते, इसी के कारण दुखी होते रहते हैं और इसी दुख चक्र में फंसे रहते हैं। हमें सुखी रहना है तो अपने जीवन में जो मिला है उसको ही पाकर खुश रहना चाहिए और दूसरों से तुलना करना छोड़ना चाहिए, क्योंकि तुलना करना ही दुख को न्योता देने के समान है। एक जंगल में एक कौवा रहता था। उसका रंग काला और आवाज बेसुरी होने के कारण सभी जानवर उसका मजाक बनाते थे। एक दिन वह खाने की तलाश में गांव की तरफ आता है और उसे एक रोटी का टुकड़ा मिलता है, जिसे वह अपनी चोंच में उठाकर जंगल की ओर चल देता है।
और उसी जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। वह बहुत ही चालाक थी। वह उससे छोटे जानवर का शिकार करती थी, जैसे खरगोश, गिलहरी आदि। एक दिन वह बहुत भूखी थी, क्योंकि उसे सुबह से कोई शिकार नहीं मिला था और दोपहर होने को आई थी। वह अपना शिकार ढूंढते ढूंढते बहुत थक गई थी। तभी वह थककर एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ जाती। तभी उसे उस पेड़ के पास रोटी की खुशबू आती है और उसके मुंह में पानी आ जाता है। वह जैसे ही रोटी के लिए ऊपर देखती है, उसे कौवा नजर आता है, जो अपनी चोंच में रोटी के टुकड़े को दबाए एक डाली पर बैठा है। तभी चालाक लोमड़ी के दिमाग में उस रोटी को छीनने के बारे में तरकीब सूझती है और वह कौवे से बोलती है, अरे कौवा महाशय, आप यहाँ? मैं तो आपको कब से ढूंढ रही थी। मैंने सुना है आपकी आवाज बड़ी ही प्यारी है, आप बहुत अच्छा गाते हैं, मुझे भी कुछ सुनाओ ना। लोमड़ी की ऐसी बात सुनकर कौवा मन ही मन बड़ा खुश होता है और लोमड़ी की चिकनी चुपड़ी बात में आकर वह गाना सुनाने के लिए जैसे ही अपनी चोंच खोलता है, वह रोटी का टुकड़ा लोमड़ी के सामने आ गिरता है और लोमड़ी थोड़ी ही देर में उस टुकड़े को चट कर जाती है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे मूर्ख कौवा एक चालाक लोमड़ी की बातों में आकर अपना ही नुकसान कर बैठता है। तो हमें कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आना चाहिए, क्योंकि बाद में उससे हमें ही नुकसान होता है। शहर से काफी दूर एक रामपुर गांव हुआ करता था, जिसमें दो मित्र रहते थे, रामू और श्यामू। दोनों मित्र की मित्रता की मिसाल सारे गांव वाले दिया करते थे, पर उनकी एक समस्या थी। उनका एक छोटा सा गांव था जो कि शहर से काफी दूर था, इस वजह से वहां पर रोजगार की काफी समस्या थी। एक दिन दोनों मित्र ने गांव से बाहर शहर जाकर कुछ कमा कर लाने की सोचने लगे। तभी रामू बोलता, अरे मित्र श्यामू, यहाँ गांव में तो कोई रोजगार ही नहीं है, क्यों ना हम शहर जाकर कुछ काम करें जिससे हमारा भविष्य अच्छा बन सके। हाँ मित्र, तुम सही कहते हो, पर गांव से शहर जाने वाले रास्ते में एक घना जंगल है, जिसमें सेब, भेड़िया, लोमड़ी आदि और भालू जैसे खतरनाक जानवर रहते हैं। उनसे बचकर उस जंगल से निकलना काफी मुश्किल होगा। अरे मित्र, हम दोनों अगर साथ में रहेंगे तो उन जानवरों से बचाने का कोई ना कोई हल मिल ही जाएगा। इसी प्रकार दोनों साथ रहने का वादा करके और अगले दिन कुछ रुपए और सामान लेकर के और शहर की ओर निकल जाते। रास्ते में उन्हें बहुत से जानवरों की आवाज सुनाई देती है। इधर दोनों हिम्मत करके चलते हैं। जंगल खत्म होने से थोड़ी ही पहले अचानक उनके सामने एक भालू आ जाता है, जिसे देखकर रामू तुरंत ही पेड़ पर चढ़ जाता है। परंतु वह घबराहट में ये भूल जाता है कि श्यामू को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता। श्यामू भालू को पास देख करके घबरा जाता है और उसे एक तरकीब याद आती है। वह तुरंत वैसा का वैसा ही जमीन पर लेट जाता है और जैसे ही भालू पास आता है, वह अपने सांस रोक लेता है। भालू श्यामू के आसपास चक्कर लगाता है और उसे मरा हुआ समझ करके और वहां से चला जाता है। भालू के वहां से जाने के बाद श्यामू वापस उठ जाता है, क्योंकि उसे पता था कि भालू मरे हुए को कभी भी नहीं खाता है। तभी रामू पेड़ से उतरता है और श्यामू के पास जाकर व्यंग से बोलता है, अरे श्यामू, ये भालू तुम्हारे कान में क्या बोल गया? तभी श्यामू को रामू पर और ज्यादा क्रोध आ जाता है और वह उसी व्यंग से रामू से बोलता है, मित्र वह बोलकर गया कि कभी भी ऐसे मित्र मत बनाओ जो विपत्ति आने पर तुम्हें अकेला छोड़कर भाग जाए। अब रामू को बात समझ आ गई थी और उसे अच्छा जवाब मिल। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे सामने विपत्ति में अपने दिमाग का सही उपयोग कर अपनी जान बचा ली और अच्छे दोस्त की पहचान भी कर ली। इसलिए हमें हमेशा ऐसे मित्र बनाने चाहिए जो विपत्ति में काम आए, ना कि वह हमें अकेला छोड़कर भाग जाए। गीत पीवी।